नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे यूपीआरवीएनएल एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका ये प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज आपका चल रहा है जीके और हिंदी का। तो देखिए, जितने भी अभी तक लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो आप लोग प्रीवियस सारे सीट्स को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो इसमें देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रिवर्स ऑफ डक्कन रीजन इज नॉट ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो इनमें से कौन सा जो मेजर रिवर है डक्कन रीजन्स का, और जो कि ईस्ट फ्लोइंग नहीं है, मतलब कि इसका जो फ्लो पैटर्न है आपका, तो वो ईस्टर्न साइड की तरफ में नहीं है, ये वेस्टर्न साइड में फ्लो करता है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो जो नर्मदा नदी आपका है, तो इसका जो फ्लो पैटर्न आपका है, तो वो है ईस्ट, इसका जो फ्लो पैटर्न आपका है, तो वेस्टर्न साइड में जाके अरबियन सी में ड्रेन करता है आपका। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन वन आपका हो जाएगा, और बाकी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है, तो ये ईस्ट साइड में फ्लो करती है। तो देखिए, जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स है, पेनिनसुलर रिवर्स जो पार्ट है आपके, जो साउदर्न जो पार्ट है इंडिया के, तो उसमें मेनली देखिए किस तरीके से इनको कैटेगराइज किया, मतलब क्यों इनको पेनिनसुलर रिवर बोला जाता है। तो पेनिनसुलर रिवर हम लोग इनको इसलिए बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इनका जो फ्लो पैटर्न रहता है, तो वो जो है आपका एक शैलो वैल्यू के थ्रू होते हो जाते हैं, और साथ में ये स्टेबल होते हैं और ये ब्रॉड होते हैं, और इनका जो स्लोपिंग जो ग्रेडियंट रहता है आपका यहाँ पे, वो एक तरीके से रहता है आपका बहुत ही स्लो होता है, यानी कि ये बहुत ही स्लोली स्लोली ये फ्लो करते हैं, तेजी के तेज धार के साथ ये फ्लो नहीं करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है पेनिनसुलर रिवर के। और मोस्टली जो पेनिनसुलर रिवर जितने भी होते हैं, तो उनका देखिए फ्लो की बात करें, तो वो ईस्टवर्ड के साइड ये फ्लो करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे है वेस्टर्न घाट, तो जिसके चलते मैक्सिमम जो रिवर्स है, तो ये जो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर जाते हैं, मतलब इनका फ्लो पैटर्न जो है आपका ईस्टर्न साइड में ही है, और जाके ये इधर पे आपका जो बे ऑफ बंगाल इधर जाकर ड्रेन कर जाते हैं, तो वेस्टर्न घाट के चलते ही मेनली इनका। लेकिन दो नदियाँ हैं जो इंपॉर्टेंट है आपका, जिनका फ्लो जो है आपका वो वेस्टर्न साइड का है, यानी कि इनका जो ड्रेनेज होता है, तो वो जाके आपका अरबियन सी में होती है। तो उसमें आपका है नर्मदा, दूसरा आपका है तापी, ये नदी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना। और मोस्टली जो पेनिनसुलर रिवर आपके होते हैं, तो वो ड्राई अप हो जाते हैं समर सीजन के अंदर में। तो मेनली जो है आपका, जैसे ये बोल सकते हैं कि ये पूरी तरीके से रेन के ऊपर में डिपेंडेंट करते हैं, अगर रेन अच्छा हुआ तो पूरे तरीके से पानी रहेगा इनमें, और नहीं हुआ तो कभी कभी ये पूरे तरीके से ड्राई अप हो जाते हैं कुछ नदियाँ जो होते हैं। तो मोस्टली जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपके, जिसमें कि दो मेन तो आपका नर्मदा और ताप्ती नदी तो है ही आपका, और इसके अलावा और भी है, जैसे माही, साबरमती, लूनी, लेकिन इनका देखिए जो फ्लो पैटर्न आपका है, तो वो इंडिया के मेन बाउंड्री में ही जो है ये टर्मिनेट कर जाते हैं, मतलब एंडिंग हो जाती है। लेकिन जो नर्मदा और ताप्ती नदी आपका है, तो यही दो है जो कि ड्रेन करते हैं जाके इधर आपका अरबियन सी में। और उसके बाद देखिए जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है आपके, ईस्ट फ्लोइंग रिवर आपका देखिए इनका पैटर्न आपका रहेगा जाके इधर जो आपका बे ऑफ बंगाल इधर ड्रेन करते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका सोनरेखा नदी हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी नदी हो गया। तो ये सारे जो है लिस्ट आपको याद रखनी है, और इससे रिलेटेड हमने और भी अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है ज्योग्राफी का पार्ट में, और ये सारा चीज़ आपको एक शॉर्ट में मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में भी, जो कि इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स का हमने बनाया हुआ है। तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी इसको जाके स्टडी कर सकते हैं आप लोग उसमें से भी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा भारत के कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन आपका इस तरीके से रहता है पड़ोसी देशों का, और साथ में जो भी राज्य हैं जो पड़ोसी में हैं कोई भी राज्य के, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग मैप के थ्रू बहुत ही इजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैप हम आपको दिखाते हैं, एक ओवरव्यू जो है आपका, ये ओल्ड मैप हमने लिया हुआ है यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश के साथ में आपसे पूछा था कि और कितने देश को साथ जो है इसकी बाउंड्री लगती है, तो ऊपर देखिए इधर चाइना, और उसके बाद फिर देखिए इधर भूटान आपका है, और फिर इधर आपका है म्यांमार। तो ऐसे टोटल मतलब थ्री कंट्रीज हैं जिनके साथ इसकी सीमा लगती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थ्री होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसके जगह पे आपका कोई और स्टेट आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे, तो उस अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो इसका देखिए नेपाल के साथ लगती है बॉर्डर, वहीं पे वेस्ट बंगाल के हम बात करें, तो इसका देखिए भूटान के साथ में हो गया आपका, और नेपाल के साथ में हो गया आपका। उसी तरीके से आपसे और भी पूछ सकते हैं, नागालैंड का, मणिपुर का, मिजोरम का, त्रिपुरा का। तो जैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे, तो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल जो है आपका बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर लगती है, तो ये चीज़ आप लोग पूरा देख लेना मैप के थ्रू, आप लोग को ज़्यादा अच्छे समझ में आपको आएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट है आपका, और इसके रिगार्डिंग हमने डिटेल में भी आपको बताया भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका था कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा भारत के कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है, तो इसका देखिए राइट आंसर थ्री आपका हो जाएगा।
और आपको देखिए पीडीएफ में भी ये पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट में आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और जितने भी स्टेट्स हैं उनका बाउंड्री जो है कितने, और जो स्टेट है उसके साथ शेयर करते हैं, और जितने भी कंट्रीज हैं उनका बॉर्डर से कौन कौन स्टेट के साथ लगती है, तो ये सारा कंप्लीट आपको मिल जाएगा, हमने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है तो ये आपका जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन आपका है, तो ये किस किस फील्ड से एसोसिएटेड है, तो ये देखिए ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन के लिए मतलब ये ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन के लिए जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आपका, और ये जो है आपका बेसिकली इसके हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में है जो कि लंदन में आपका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन पूछा आता है, तो इसका भी याद रखने लगा आप लोग, ये कहाँ पे है, यूके में है आपका, और ये किस लिए का वर्क करता है, तो ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करने के लिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ओडिशा में कोणार्क जो सूर्य मंदिर है तो इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, तो बिल्ड किसने करवाया था, सिंपल आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जो ओडिशा का जो कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है आपका, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर आपका है ये, तो ये जो है आपका ओडिशा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है आपका कि कौन सा स्टेट में एक्चुअली है ये। ये देखिए कंफ्यूज नहीं होना, ये सूर्य मंदिर है, एक सन टेम्पल आपका होता है और एक आपका गोल्डन टेम्पल है, तो गोल्डन टेम्पल जो आपका अमृतसर में, लेकिन जो सूर्य मंदिर जो सूर्य जो आपका मतलब जो सन टेम्पल आपका है तो ये ओडिशा में है, और ये देखिए बिल्ड किया गया था राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा ये किया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका, जो कि इसकी स्थापना देखिए किया गया था लगभग ये 13th सेंचुरी जो है आपका उस समय ये कराया गया था, इसका निर्माण किया गया था कि राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा ये किया गया था, जो कि ये गंगा डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे, तो इम्पोर्टेंट है आपका ये पॉइंट, ऑप्शन टू इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी मंदिर हैं और साथ में जो भी एंशियंट हिस्टोरिकल साइट्स हैं आपके, तो उसका किसने निर्माण करवाया था, तो हिस्ट्री का शॉर्ट पीडीएफ में भी आपको ये पूरा मिल जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज इन, तो जो यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है तो इसका ऑफिस कहाँ पे है, तो देखिए जो यूनाइटेड नेशन के जैसे इसके बहुत सारे जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं इसके, जिसमें कि आपका एक जनरल असेंबली भी है, तो इसका देखिए जो ऑफिस है आपका मतलब जो बेंच है तो यह है न्यूयॉर्क में, वो इनके जो यूएसए मतलब आपका न्यूयॉर्क में एक्चुअली लोकेटेड है आपका ये, और इसका हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा आता है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर आप लोग अच्छे से याद कर लेना, सारा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो आपका है तो ये हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है, और इसके साथ साथ में इसके फॉर्मेशन कब किया गया था तो 1945 में है, तो ये जो है आपका जो 6 प्रिंसिपल जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, तो उसी का एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क, सार्क का फुल फॉर्म से पूछा गया हुआ है, तो देखिए जो सार्क आपका है तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो ये जो है एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और एक जियो पोलिटिकल यूनियन है, जो भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं आपके, तो उनका जो है एक एक तरीके से एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जितने भी देखिए जो साउथ एशिया में जो कंट्रीज हैं आपके, तो इसमें मिले कौन कौन से मेंबर स्टेट्स के हैं एक्चुअली में, तो ये आप लोगों को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसमें देखिए आते हैं अफगानिस्तान है आपका, बांग्लादेश हो गया, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है, तो ये जो है इसके मेंबर है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोग इसको याद कर लेना अच्छे से। और देखिए इसी से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन इसमें पूछा गया था आपका ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क, तो सार्क का मेंबर कौन सा नहीं है, तो इसमें देखिए दिया हुआ है नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो कि ये सभी है, म्यांमार इसमें देखिए ये जो है इसका हिस्सा नहीं है, मतलब सार्क का ये मेंबर नहीं है, तो म्यांमार जो आपका ये बिम्स्टेक का ये मेंबर है, ये इसका मेंबर नहीं है आपका सार्क का। तो देखिए इस तरीके के जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर जो भी इस तरीके के ग्रुप्स आपके G20, G7, सार्क हो गया या फिर बिम्स्टेक हो गया या फिर आपका शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो उसके कौन पार्टिसिपेटिंग नेशंस है, तो इन सभी का जो है आपको अच्छे से तैयारी करके जाना होगा, और ये सारा चीज़ हमने करेंट अफेयर वाले पीडीएफ में ये दिया हुआ है आपको, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको स्टडी आप लोग कर सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो आरबीआई है तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो देखिए जो आरबीआई है यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका है तो इसकी स्थापना किया गया था आपका 1935 में की गई थी, तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए इसके रिगार्डिंग हम लोग और भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग, हालांकि आपको पीडीएफ में भी और भी मिल जाएंगे डिटेल में आपको,
जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये आप जानते हैं कि ये कंट्री का एक सेंट्रल बैंक है आपका, और ये जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इसका आपका 1935 में, जो कि एक्ट पास करने के बाद ये किया गया था। एक्ट पास हुआ था 1934 में, लेकिन स्थापना इसकी की गई थी 1935 में। तो उस समय देखिए जो है वो नॉन गवर्नमेंट मतलब शेयर होल्डर्स थे इसके, इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ का था आपका, और फिर इसको नेशनलाइज किया गया था आपका 1949 में, जिसमें कि गवर्नमेंट का जो है मेजर स्टेक आ चुका था, मतलब प्राइवेट होल्डर जो होते थे उनके कमों के गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था इसमें अपना शेयर होल्डर्स। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसमें देखिए टोटल 14 डायरेक्टर्स होते हैं इसमें, और इसके साथ साथ में 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं आपके। तो इसमें जो बोर्ड ऑफ जो रहते हैं इसमें यहाँ पे, तो चेयरमैन और जो बोर्ड ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव जो रहते हैं बैंक के आपके, और इसके साथ साथ में देखिए जो गवर्नर जो होते हैं बैंक के मतलब जो सबसे जो मेन होते हैं इसमें, तो इस तरीके से जो गवर्नर है करंट में भी हम बात करते हैं तो वो है शक्तिकांत दास, जो कि 25th नंबर के हैं। फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के तो वो थे सर ऑस्बर्न स्मिथ, और उसके बाद फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करते हैं तो वो थे सी डी देशमुख, और करंट में कौन अभी है तो वो है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। और देखिए जो आरबीआई है इसका मेजर फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे कि है यहाँ पे पूरा दे दिया आपका, यहाँ पर नोट को इशू करना, तो जितने भी नोट्स आप देखते होंगे जो सर्कुलेशन में है आपका, सिर्फ 1 रुपीज़ का जो है आपका बात करते हैं अपन नोट को छोड़ के, बाकी और भी जितने भी हैं आपके, तो उन सभी का जो इशू करने काम होता है आपका, तो वो है आरबीआई का होती है। और इसके साथ में जैसे कि जो गवर्नमेंट का जो बैंक्स होते हैं तो वो उनका एक बैंकर भी होता है एक्चुअली में, और साथ में बैंकों का भी ये बैंक होते हैं, जितने भी बैंक्स आपके होते हैं तो उन सभी का अकाउंट जो है वो तो आरबीआई में होती है, और साथ में क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम आरबीआई का ही होती है। तो इसके रिगार्डिंग देखिए हमने डिटेल में पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी इसको जाके स्टडी आप लोग कर सकते हैं। हालांकि आप लोग जो है बेसिक पढ़ के जाइए, थोड़ा सा आपको डेप्थ में नहीं पढ़ने का टाइम है, तो आप लोग एटलीस्ट पीडीएफ वाला जरूर पढ़ लेना, आपका जो है अच्छा नंबर आ जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, तो इसमें से कौन सा एक ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है। तो इसमें देखिए दिया हुआ ताइगा, सवाना, पैम्पास और प्रेरीज। तो देखिए जो सवाना जो ग्रुप ऑफ ग्रासेस जो है आपके ग्रास लैंड जो है, तो ये एक तरीके का ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड को देखिए इनको सवाना भी बोला जाता है, और ट्रॉपिकल ग्रास लैंड आपको दिया मोस्टली आपको इन सारे कंट्रीज में आपको मिलेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, और साउथ अमेरिका आपका हो गया। और ये जो आपके ग्रासलैंड एक्चुअली में, तो ये जो है आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये पूरा सराउंडेड है, घिरे हुए हैं, तो इसीलिए इनको बोलाता है दैट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी बोलते हैं हम लोग। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द माइनर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स आर कॉल्ड, तो जो माइनर जो प्लैनेट्स होते हैं जो कि जुपिटर और मार्स के बीच में जो ऑर्बिट करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है। तो देखिए ये होते हैं एस्टोराइड, तो एस्टोराइड जो है कि स्मॉल एक रॉकी टाइप ऑब्जेक्ट आपके रहते हैं जो कि सन में ऑर्बिट तो करते हैं, लेकिन जो आपको मोस्टली दिखेंगे ये जुपिटर और मार्स के बीच में आपको दिखेंगे, तो इसको एस्टोराइड बुलाते हैं जो माइनर प्लैनेट्स आपके होते हैं जो कि जुपिटर और मार्स में रिवॉल्व करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं सोलर सिस्टम का जो आपका जो रहता है इसमें आप देख सकते हैं जो एस्टोराइड बेल्ट है आपका, तो एस्टोराइड बेल्ट देखिए ये जुपिटर और मार्स जो आपका है तो इसके बीच में आपका रहता है, जो कि स्मॉल रॉकी टाइप के ऑब्जेक्ट्स आपके होते हैं, तो ये जो है रिवॉल्व करते रहते हैं यहाँ पर आपके, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, इसमें भी आप लोग याद कर लेना है इसको। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि द लोकटक लेक विच इज ऑल्सो कॉल्ड द ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड इज इन विच स्टेट, तो लोकटक लेक जो है जो कि आपका ये मणिपुर में आपका है, जिसे कि इंडिया कहीं नहीं ये पूरे वर्ल्ड का जैसे इसे फ्लोटिंग पार्क भी बोला था, फ्लोटिंग लेक और ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, तो ये देखिए कौन सा स्टेट में है, तो ये आपका मणिपुर में है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट लेक्स है इंडिया में, तो यह लिस्ट हमने पूरा तैयार किया हुआ है, तो आप लोग जो इसको अच्छे से याद कर लेना। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है जम्मू कश्मीर में जितने भी लेक्स आपके, जैसे डल लेक हो गया, सेसनर लेक हो गया, सिमोरी लेक है, वुलर लेक है, इसके अलावा राजस्थान में जो इम्पोर्टेंट लेक्स आपके इसमें आपका पुष्कर लेक हो गया और सांभर साठ लेक आपका हो गया। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसमें आपका लोनार लेक हो गया और एक वैतरणिया लेक हो गया आपका। फिर केरल की देखिए बात करते हैं तो इसमें आपका आस्थामोड़ी लेक है, कुतनाड लेक है आपका, और इसके साथ साथ में जो है आपका इसमें वेमनाड़ लेक भी है। फिर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें देखिए कोलेरू लेक है, पुलिकेट लेक है, मणिपुर में बात करते तो मणिपुर की बात करते हैं इसका देखिए लोकटक लेक है आपका, और तमिलनाडु में जो इम्पोर्टेंट लेक्स है तो इसमें आपका एक कोडाइकनाल लेक हो गया और ऊटी लेक हो गया, और उड़ीसा में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका चिलिका लेक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट लेक जो भी स्टेट में है तो ये आप लोग याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपके लेक से रिलेटेड, तो देखिए जो उलर लेक है जो कि आपका ये जम्मू कश्मीर में है, तो ये जो है
और सबसे बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया का, इंडिया का ही नहीं पूरे एशिया का ही है। और बाकी जो चिल्का लेक है आपका जो कि ओडिशा में है, तो ये जो है लार्जेस्ट सैलिन वाटर लेक है इंडिया का। और भीमबाड़ा लेक देखिए जो आपका केरल में है, तो ये एक लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का। और जो चुमारू लेक आपका है, तो ये देखिए सिक्किम में जो कि हाईएस्ट लेक है, यानी कि ऊंचाई पे बात करें तो। तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके, तो ये हमने आपको पूरा बता दिया है। और ये सारा चीज़ आपको पीडीएफ में भी आपको ये मिल जाएगा। तो अगर आप लोग जीके को अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, एटलीस्ट पीडीएफ भी पढ़ लेते हैं मेरा जो हमने आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंट वाला, तो इससे भी आपका जो अच्छा खासा तैयारी आपका हो जाएगा। क्योंकि हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें ऐड किया हुआ है, और आप लोग देख भी रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपका आ रहा है तो लगभग उन्हीं सब टॉपिक में से आपके आ रहे हैं। तो पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।